हाय एवरीवन वन आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये आलू प्याज की बहुत ही यमी वाली बटर नान की रेसिपी अब इससे नान बोलो या कुलचा आप जो चाहो बोलो क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूंगी ना तो ढेर सारे नेगेटिव कमेंट्स की भरमार हो जाएगी चलिए खैर रेसिपी पे फोकस करते हैं तो मैंने यहाँ पर लिया है दो कप मैदा उसमें एक कप आटा एड किया है और साथ में मिलाया दो चम्मच चीनी स्वाद अनुसार नमक एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा साथ में एड करेंगे दो चम्मच देसी घी और यहाँ पर ना मैंने लिया है एक कप से थोड़ा सा कम है दही जो कि फ्रेश दही है उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे जो हमारी नान या कुल्चा जो भी है बना रहे हो बहुत सॉफ्ट अच्छे से टेक्सचर का बनेगा अब जरूरत के हिसाब से थोड़ा सा गुनगुना पानी लेंगे और इसका एक सॉफ्ट टो प्रिपेयर करेंगे और ठक कर दस मिनट पे छोड़ेंगे क्योंकि आलू प्याज का हम ये कुल्चा बनाने वाले हैं तो आलू ले लिया मैंने उबले हुए उनको ग्रेट कर लिया उसमें डाला हरी मिर्च हरा धनिया नमक लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा गर्म मसाला धनिया पाउडर और आमचूर पाउडर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये मिक्स करते करते मैं भूली गई की आलू प्याज का कुल्चा बनाने वाले है तो प्याज कहाँ रह गई भाई प्याज फाइनली मैंने इसमें ऐड कर दी फिर से मिक्स कर दिया अब देखिए आटा हमारा रेस्ट कर चुका है इसे अच्छे से फिर से नीट कर लेंगे और ये देखिए अब बस इसके कुलचे बनने के लिए तैयार है तो थोड़ा सा मैंने प्लेटफॉर्म पर लिया है सूखा आटा या मैदा कुछ भी आप ले लीजिए छोटी सी रोटी बनाइए और उसमें जो हमने आलू का फिलिंग बना रखी थी ना इसको भर दीजिए बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे कि आप आलू का पराठा बनाते हैं और ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती है थोड़ा सा सूखा आटा लगाइए और इसे बेल लीजिए अपने मन चाहिए किसी भी शेप में अब यहाँ पर लगाएंगे हम पानी अच्छे से भरपूर तरीके से पानी लगाना और तवे को अच्छे से गर्म कर लेना पहले बस जहाँ पानी लगाया था ना उस साइड को तवे की तरफ करते हुए हम लगा देंगे और ऊपर की तरफ पे भी थोड़ा सा पानी लगाकर हरा धनिया लगा दिया है मैंने और हाथों से अच्छे से प्रेस कर दिया है स्लो फ्लेम पे सेकना है हमें पहले जैसे ही फूलने लगेगा बस इस तरह से तवे को उठाइएगा और गैस पर चारों तरफ घुमाते हुए इसे सेक लीजिएगा अगर ऐसे सेकने में प्रॉब्लम है तो ऐसा करना बस इसे तवे से छुड़ा लेना और इसको डायरेक्ट फ्लेम पर आप सेक सकते हो बहुत ही ज़्यादा यम एंड टेस्टी बनकर ये तैयार होता है और आप देख सकते हो मैं तो इसे सिर्फ ना दही के रायते के साथ में ही इंजॉय करने वाली हूँ आप इसे अचार दाल मखनी शाही पनीर दही किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय करो ये अपने आप में इतना कम्प्लीट है ना किसी और चीज़ की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तो ये था आज का वीडियो आई होप आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा तो मैं मिलती हूं आपसे अगली बार तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर